प्रत्येक वर्ष हम लोग ये बैठक करते हैं, अगले वर्ष भी हम लोग मामलंकर हॉल के बगल में अपनी पार्टी का हम दिल्ली में किए थे। उसमें सिर्फ नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, कार्य समिति की बैठक नहीं थी। आज नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक है, इसलिए कि हम लोग के पार्टी के संविधान में है कि 3 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। तो लगभग 2.5 वर्ष हो गया था, इसलिए बुलाना पड़ा। और दूसरी बात है कि पूरे देश में जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में गहमागहमी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक मत है, एकजुट है। और हमारी पार्टी, हम NDA गठबंधन के पुराने सहयोगी हैं और ईमानदार सहयोगी। और आपको याद होगा कि जब 2014 में या 2019 में जब NDA गठबंधन का सीट का बंटवारा हुआ था, तो उसमें भाजपा, जनता दल यू और RLJP 3 पार्टी का गठबंधन था। और अब बहुत से नए नए लोग आ गए हैं गठबंधन में, अब उनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है कि आज यदि मन माफिक यदि सीट नहीं मिलेगा तो वो रोड की तरफ जाएंगे, रोड के उस पार चले जाएंगे। बात समझ रहे हमारी बात को? लेकिन हम अस्थाई पार्टनर हैं और हम NDA गठबंधन में पर विश्वास करते हैं और NDA गठबंधन के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। देश में 543 लोकसभा सीट का चुनाव होना है और हर हालत में इस बार 400 के पार NDA गठबंधन को सीट मिलेगा और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात है बिहार का, बिहार में 40 सीट है। अगली बार हम लोग NDA गठबंधन के तहत लड़े थे तो थोड़ी सी गलती के चलते हम एक सीट लूज कर गए थे। इस बार उस गलती का पुनरावृत्ति नहीं होगा, क्योंकि नीतीश जी हम लोग के साथ आ गए हैं। इसलिए हम प्रयास रहेगा कि 40 में से 400 सीट जीतें। और आज की बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पूरे देश में, चूँकि हमारी पार्टी का संगठन कन्याकुमारी से केरल तक, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और आप तो शायद बैठक में नहीं थे, 22 स्टेट का हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, अपना भाषण भी दिए, कोई तेलुगु में दिए, कोई अंग्रेजी में दिए, कोई किसी भाषा में दिए। तो हमारे पार्टी का संगठन पूरे देश में है। और लेकिन हम चुनाव लड़ते हैं बिहार में, तो बिहार में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो वोट है भाजपा को, NDA गठबंधन को, पूरे देश में हमारे वोट का फायदा होगा। हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हमारा वोट अस्थाई वोट है। इसका कई बार आप लोगों ने देखा होगा उदाहरण। तो उसी के तहत आज बैठक हुई और बैठक में बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और लोगों ने सूरजभान सिंह जी प्रस्ताव रखे और सभी सांसद, विधायक, तमाम आम कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव किया। मैं अपने वर्कर्स को, सूरजभान सिंह जी को मैं बधाई देता हूं और बिहार की जनता को मैं बधाई देता हूं। और काफ़ी संख्या में हमारे हाजीपुर के नौजवान साथी भी आए हुए थे, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। कोई फगड़बट नहीं है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, खूब ठंडे बस्ते से जानिए, ये प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए कि जमुई सीट क्यों छोड़ रहे हैं? हम तो जमुई नहीं जा रहे हैं, इससे हम लोग जमुई में उसका कमजोर पॉइंट है, जमुई से हार रहा है तो जमुई छोड़ को भाग रहा है। हाजीपुर हमारा है जिसके नेतृत्व में देश चला, या हमारी पार्टी चली पासवान जी के नेतृत्व में। अंतिम समय में उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी माना, जाके नामांकन कराया, जिता के पार्लियामेंट में भेजा और प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई कि मैं आज देश में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। तो हाजीपुर हमारा है और हमारा रहेगा। मैं पहले भी कहूँ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लालू यादव है, उन्होंने नीतीश कुमार को दोबारा एक बार फिर सफेद रंग पाने के लिए कहा कि दरवाजा खुला रहता है।
नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार आने के लिए महागठबंधन में लालू यादव ने कहा कि दरवाजा खुला है? अब दरवाजा में लॉक है ही नहीं है तो खुला नहीं रहेगा तो क्या होगा? अंदर से छिटकिनी लगाने वाला खत्म हो गया। तो अब नीतीश जी तो बोल चुके हैं कि जो हमसे गलती हुई, मिस्टेक हुआ, अब हम जब तक राजनीति में हैं तब तक हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है भारत न्याय जुड़े यात्रा में सासाराम में, भली बात जानते हैं कि नीतीश कुमार कैसे हैं, इसी के बात नहीं सुनते हुए कहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, राजनीति में ना शब्द नहीं होता, और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। वही व्यक्ति नीतीश कुमार थे, अब वही व्यक्ति आज है, वही व्यक्ति तेजस्वी यादव थे, वही व्यक्ति आज है। तो व्यक्ति बलवान नहीं है, समय की पुकार है, और समय जब बलवान होता है तो आदमी जब मिट्टी छूता है तो उसका सोना हो जाता है, और जब समय खराब होता है लोगों का तो सोना छूता है तो मिट्टी हो जाता है। तो यही राजनीति का फॉर्मूला यही है। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है भाई साहब, फैक्ट ये है कि पूरे देश में प्रतिदिन कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। आप देखे होगा कि अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने चली गई राजस्थान, जनता के डर से चली गई, उनको डर हुआ कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे तब तो राजस्थान गए। तो कांग्रेस का प्रतिदिन रन नहीं हो रहा लेकिन विकेट डाउन हो रहा। बॉलिंग जो होता है तो रन एक भी नहीं हो रहा और विकेट डाउन हो रहा। अब देखिएगा महाराष्ट्र में अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ के आ गए, भाजपा में भी राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटस है, ये आप भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी के स्टेटस के सामने में आज किसी दूसरे लीडर को इस देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। राहुल गांधी बेरोजगार है बेचारा, तो कहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ काम तो होगा ना।